इस सृष्टि में जो जीव जन्म लेता है, भगवान उसके खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। हर इंसान को 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने लिए 2 रोटी की उम्मीद ना सुबह को होती है और ना ही रात को। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ संस्थाएं आगे आकर जनसेवा कर रही हैं। पुण्य का यह काम करने वाली संस्थाएं बिना किसी लालच के जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध करा रही हैं। जनपद सहारनपुर में हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी भी सरकारी अस्पताल के सामने इलाज करा रहे मरीजों के तीमारदारों को 10 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध करा रही है। आइए जानते हैं इस संस्था का उद्देश्य क्या है। मैं नमन सचदेवा, अध्यक्ष एसटीसी से वात्सल, हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी सहारनपुर। ये जो आप यहाँ पर खाना खिलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये क्या आपका मोटिव है? ये एसटीसी सेवा सेल का एक मुहिम है कि कोई भी बंदा रात को बिना खाए ना सो पाए। देखो, हमारा ये एक मोटिव है, हमारा स्लोगन भी हमारा वही है, एक इंसान पूरा दिन भूखा तो रह सकता है पर खाली पेट सो नहीं सकता। ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर लगाई जाती है, जिसके लिए जो मरीजों के साथ आए हुए तीमारदार जो होते हैं अटेंडर्स, उनके लिए हम यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का भोजन उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। इसलिए हमने 10 रुपये में एक पूरा प्रॉपर थाली जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अचार, सलाद और मीठा, सर्दियों में मीठे में गुड़ होता है, वैसे वैरायटी चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ ये रहता है हमारा। तो क्या 10 रुपये में पूरा भरपेट खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही थाली मिलेगी, आपको और लेना, आपकी भूख नहीं मिटी है आप और लो, ऐसा नहीं आपको दोबारा 10 रुपये देने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर खाना मिलेगा। कितने समय से आप इस चीज को चला रहे हैं? इसको लगभग साल होने वाला है, 27 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा, रसोई की हमारी एनिवर्सरी होगी। सर हमने इसका नाम ही एसटीसी रसोई ऑन व्हील्स रखा था, जिससे हम ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है एसटीसी रसोई ऑन व्हील्स, जिससे हम व्हील्स पे ही लोगों को खाना अवेलेबल करवा सके। अब ये वैन यहाँ पे आती है, यहाँ से ही जाएगी, ये होता है कि इस पे आपको सबको हम अवेलेबल करवाएंगे खाना अपना जिस टाइम मर्जी है। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ ना कि किस हिसाब से यहाँ पे हम सेवा करते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी यहाँ पे सेवा चलती है, बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ खाना मिलता है यहाँ पे। ये देखिए क्या क्या देते हैं हम खाने में? इसमें रोटी, चावल, 2 तरह की सब्जी होती है, मीठा होता है, सैलेड होता है, गर्मियों में रायता भी होता है। तो ये सब जो मेंटेन कितने लोगों को लगभग आप खिलाते हैं? हम लगभग 250 से 250 लोगों को डेली खाना खिलाते हैं। तो ये सब का जो मैनेज होता है, मैनेज किस तरीके से होता है? ये मैनेज एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी अपनी अपनी तरफ से कोई भी सेवा देना चाहे, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे वो कर सकता है इसमें। जैसे किसी का बर्थडे होता है, किसी की सालगिरह होती है, किसी कोई किसी की याद में करवाना चाहता है तो अपनी तरफ से यहाँ पे आके सेवा कर सकता है और उसे मैनेज करवा सकता है। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कोई हम तो कर ही दें, हमने तो करना ही है। अच्छा, जैसे कि सेवा के लिए है ये तो 10 रुपये भोजन का क्या? 10 रुपये थाली रखने का हमारा मेन मोटिव ये था कि कोई भी ये ना कहे कि मैं फ्री में खा रहा हूँ, लोग सारे मान सम्मान से खाए कि हाँ भाई मैं पैसे दे के खा रहा हूँ, कोई 10 रुपये में ऐसा कुछ नहीं आता। बट हमने इसलिए रखा कि 10 रुपये एक मामूली सी अमाउंट है, ये वो लेके मैं खरीद के खा रहा हूँ बस, बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनका पूरा डाटा, पूरी प्रॉपर पिक्चर हम इसमें टीवी पे अवेलेबल करवाते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये लास्ट कुछ दिन पहले का ही है, ये इस तरह की हम प्रॉपर एक फोटो लगाते हैं इनकी तरफ से स्पॉन्सर हुआ है आज का लंगर, इन लोगों की तरफ से पूरा स्पॉन्सर होता है, पूरा डाटा मेंटेन रखते हैं, फोटो लगती है, प्रॉपर रखता है। हाँ जी बिल्कुल।